नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओल्ड टाइम क्लासेस सहारनपुर चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम आज जो हमारी क्लास है, आज की जो क्लास है स्पेशल, यानी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बेंच भी है ये। यानी इसमें जो भी बच्चों की जिस भी टाइप की प्रॉब्लम है, वैसे तो स्टार्टिंग में हमने अभी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के थ्रू एक एक यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर करते जा रहे हैं। जो भी आपकी समस्या किसी भी तरह का कोई भी सुझाव आप हमारे कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज जो है चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत खास है, चाहे आपका रेलवे, SSC, बैंक है, कुछ भी। बैंक के तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं IBPS मिनिमम 10 क्वेश्चन ले लेता है आपके इसी में ही, जो सिंप्लीफिकेशन के होते हैं ओनली। बस ज़्यादातर तो वैल्यू यानी लगभग के अकॉर्डिंग होता है। तो आज जो है यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कैलकुलेशन को किस तरीके से आपको सोल्व करना। वैसे हमने इसके बाद इससे पहले भी कुछ क्लास ऐसी भी बनाई है जो आप यानी लास्ट वीडियो जाकर हमारे चैनल पर आप देख भी सकते हैं प्ले लिस्ट में पहुँच के। तो उसमें दिखाया गया है कि कैलकुलेशन कुछ इजी किस तरह से सोल्व करा जाए, उसमें बताया गया था। लेकिन आज जो है, आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में टाइप किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं आपके, किस तरीके से यानी क्वेश्चन आपके दिमाग में एग्जामिनर यानी आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं, आइए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, तो इसे बोलोगे आप सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण। अगर बात करी जाए तो सरलीकरण में सबसे पहले आप बात करने जा रहे, तो हम बोर्ड मास की है, जो बोर्ड मास सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये होता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है ओ का ऑफ, यानी का। इसका वैसे तो यूज आप मल्टीप्लाई के थ्रू करोगे, लेकिन होगा ये भी एक ब्रैकेट की तरह ही। जब आप इसे यूज करोगे तो ब्रैकेट पहले समझना, यानी ब्रैकेट समझना, तब उस वैल्यू को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट चलना आपको। इसके बाद अगर ये दोनों नहीं दिए गए तो डी मास से आप अप्लाई करो, पहले डिवाइड हुआ, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो अगर ये नहीं दिया गया, ये दो वैल्यू नहीं दी गई आपके, तो इसके थ्रू आप स्टार्ट करो। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक है 6010 माइनस के 6000 और डिवाइड बाई 10। तो इसमें दोनों वैल्यू नहीं दिए गए, ना ब्रैकेट दिया गया ना ऑफ है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? डी मास से। तो डी मास से आपको अप्लाई करना, डी मास का मतलब, डी का मतलब डिवाइड से है। तो पहले डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो डी इससे पहले आप डिवाइड करो। देखो अगर वैल्यू भाग में है, उसे डिवाइड का साइन आप हटाना चाह रहे हैं, भाग का निशान हटाना, तो वैल्यू उल्टी होगी, ठीक है ना। तो ये हुआ 10 6000 और ये हुआ, अगर आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रहे तो 1/10, ठीक है ना। अब घटा दो, कितना मिला? 0 1 और यहाँ 10, यानी यहाँ कितना बचा? यानी देखो ध्यान से, अच्छा 4, ठीक है 5, तो ये बचा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, बात आई समझ में? तो यानी ये तो था आपका डी मास यानी विदाउट ब्रैकेट के। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो किस तरीके से का या ब्रैकेट हो। तो समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका 72/9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1 सही, 1 सही, 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो मेरे ख्याल से पहले आप लोग कर लो, तो फिर देखते हैं इसे। तो जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में परेशानी हुई सभी को, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑफ मिलता है तो ऑफ एक ब्रैकेट की तरह काम करेगा आपका। यानी सबसे पहले ये डिवाइड नहीं करना आपको, ये एक ब्रैकेट है। काम किस तरीके से करना? ऑफ, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट है, पहले ये करना। और ऑफ को किस में कन्वर्ट कर देते हो आप? का में, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई में का को। तो इसे डिवाइड करोगे तो कितना मिला? 3। ये 72/3 प्लस के 2/3, और इसे सही खोल कर लिख दो, कितना? 2 और 1 3/2।
इससे डिवाइड करोगे तो कितना 24 और ये सही है स्टेप एक मिला, यानी कितना बना आपका 25। लो जी आया समझ में। तो मेन बात क्या है, मेन है आपका किस तरीके से अगर आपको ओप मिलता है तो आपको वो ब्रैकेट की तरह सोल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले, चलो तो नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम, देखो समझो। तो लो तो मेन यानी ये आपको याद रखना है, इसे रफ कर रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चन अभी ले रहे, देखो कुछ और। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपके पास, लो देखो सोल्व करना, एक क्वेश्चन है, लो देखो 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ठीक है, ये सोल्व करना आपको, कर लो ट्राई। तो देखो किस टाइप से है कि आपको यानी क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है, तो करना किस तरीके से है, मेन तरीका क्या है, मैंने अब आपको बताया था, का जो होता है ब्रैकेट की तरह काम करता है, यानी सबसे पहले कुछ नहीं सोल्व करना आपको, का ही सोल्व करना, इसका मतलब, और का मतलब होता क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला, 1/4 डिवाइड, ठीक है ना, इस तरीके से हमने सोल्व कर दिया। और एक बात हो रहा है खास तौर से, अगर सोल्व करोगे एक बार में ही सोल्व करना, ठीक है ना। चलो 1/2 एज इट इज, अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदलना तो कितना उल्टी कर दो वैल्यू, कहने का मतलब ये 4/1 लिख दो, ये सोल्व डिवाइड एज इट इज, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इससे काट दो कितना 2 मिला ये, ठीक है ना, डिवाइड बाई, इसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में है, उल्टा करोगे तो कितना मिलेगा 4/3, ठीक है, आओ इसे लिखना चाहते हो तो कैसे लिख दो, हाँ गुणा में होगा बिल्कुल, समझ गए ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना 8/3, तो यानी 2 से ही 2/3 इसका आंसर है। समझ गए, तो ये है इस टाइप से आपके सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, मेन क्या है छोटा सा कॉन्सेप्ट और वो आपको समझ के चलना। आइए एक और देखते हैं, कर दें सर, हाँ कर लो कोई बात नहीं। हाँ अगर मान लिया ये है का है तो एक ही बार में सोल्व करना, वो का मल्टीप्लाई एक ही बार में गुणा बनना है, ऐसा नहीं कि एक बार आप बता दें एक बार बाद में फिर आंसर नहीं मिलेगा तुम्हारा। इस तरह का है जैसे दिया गया इसमें ऑफ था तो इसे एक ही बार में मल्टीप्लाई करनी, एक बार में मल्टीप्लाई में साइन में कन्वर्ट करना, अदरवाइज बाद में नहीं होने का फिर ये कन्वर्ट, फिर आंसर गलत मिलेगा तुम्हारा। या फिर डिवाइड भी अगर आपको 10 डिवाइड दिए गए तो एक ही बार में डिवाइड करने होंगे तब जाके आंसर मिलेगा सही, दिखा रहा भी एक क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का लिखे। करे रहा लो देखो एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, लो तो ये क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से किस तरीके से करना, सोल्व करो। लो देखो करना क्या है, मेन तो ये जो क्वेश्चन दिया गया आपको है ना, बस डिवाइड का साइन दे, तो डिवाइड एक ही बार में खत्म करना। अब डिवाइड किस तरह,
ये इससे काट दो, कितना 125, इससे काट दिया 25, इससे काट दिया 5, और 5 प्लस 5 कितना बढ़ा आपका 10। तो ये बात है, अदरवाइज अगर आप एक एक बार में करोगे ना, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट टाइम इस तक होने का नहीं सवाल। यहाँ पर बता रहा, अभी एक अलग क्वेश्चन दे रहा है इसी तरीके का। तो देखो दो। चलो आओ देखो, मैंने क्या बताया, अगर डिवाइड है तो डिवाइड एक ही बार में ख़त्म करना, अदरवाइज अलग अलग इसी तरह आंसर आपके मिलते रहेंगे। 625 जैसा दिया गया, इसे एक बार में डिवाइड ख़त्म करा, इसका डिवाइड ख़त्म, पाँच प्लस ऐसे ही इसका भी डिवाइड ख़त्म, प्लस 30 भी ऐसे ही इसका भी डिवाइड ख़त्म, एक बार में कैंसिल करो, इससे काटोगे तो कितना 125, यहाँ एक और यहाँ काटा कितना 6, ठीक है, और ये कितना हुआ 7, तो कितना बचा है 132। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर मैं बता रहा अभी भी आप एक के बाद एक करना सोच रहे ना, अगर एक एक डिवाइड छोड़ दिया अगली बार दूसरा कर दूँ, आंसर नहीं मिलने का इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब है कैलकुलेटर हो कंप्यूटर हो, सब इसी रूल पर, बोर्ड में इसी रूल पर काम करते हैं। यानी कहने का मतलब एक बार में जब डिवाइड का नंबर है तो डिवाइड ख़त्म करना है एक बार में, तो डिवाइड मैंने एक बार में ही ख़त्म करा। आप सोच रहे, देखो अगर आप सोच रहे किस तरीके से, ये तो हो गया जिस तरह बात नहीं समझे, तो यानी ये क्वेश्चन था आपका, इस बार हमने ये डिवाइड कर दिया ख़त्म, ओनली ये एज इट इज रख लिया, और ये भी एज इट इज। अब देखो किस तरीके से बदल जाएगा आंसर, जब इससे आपने इसे काटा तो कितना मिला 125, तो 125 प्लस 5 बचे अभी हैं, तो ठीक है ये कितना बन जाना, अब 130 बदल गया आंसर सारा। अब 130 को किससे डिवाइड करोगे आप, 5 से, ये कितना आया बताओ, 26, और 30 ये है तो कितना बना, 56। हाँ, मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आप क्या करोगे, अगर एक बार में एक डिवाइड यूज कर लिया, अगर डिवाइड है 10 है तो 10 के 10 एक बार में यूज करने, आपको मेन मतलब ये है, समझ गए ना। चलो तो लो, बात आई समझ में किस तरीके से सोल्व करना। तो देखो लो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान दो, यह है एक सही एक बटा दो प्लस 11 सही एक बटा दो प्लस 1/2 प्लस ये है आपका एक सही एक बटा दो, तो इसे सोल्व करना आपको। ठीक है ना, तो करो सोल्व, देखो किस टाइप से करना। इसी टाइप का शायद लास्ट वीडियो जो थी उसमें भी देखा हमने, यानी किस तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास सपोज करो कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है डेढ़, और ये कितना है, कितना है पूनम, ये डेढ़ है, ये 3.5, तो कितना हुआ, वैसे ना बस टोटल बताओ, डेढ़ 3.5, तो किस तरीके से जोड़ा इसका मतलब, चाहे तो आप इस तरीके से भी ये जो बिना सही की उसे एक आप अलग लिख लो, ठीक है, और 1/2 प्लस 1/2 इसे ऐसा लिख दो, ये कितना हो गया, ये 4
और ये कितना हो गया, एक पाँच बन गया। हाँ तो देखो आओ इसे भी सोल्व करें इसी तरीके से। अब हमारी जो वैल्यू है, हमने जो सही यानी सामने वाली ये एक बार लिख दी, ठीक है, और ये एक बार, ठीक है, ये कितना बन गया, दो। कॉमन ये मल्टीप्लाई में नहीं हुआ करती वैल्यू, ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ दो हो गया, दो ये हुआ और ये 1234 तो ये है ही, और दो ये मिला तो कितना 1236 के आसपास आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कर दे रहा पीछे कर लो। अगर ये पूर्णांक होता जब होता, हाँ जब अगर मल्टीप्लाई में होता फिर ले सकते आप। कोई बात नहीं, लो कर दे रहा, लो लो सवाल करो एक और। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कुछ अलग सा है, ध्यान दो थोड़ा, देखो ये है आपका, ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, तो सोल्व करो। लो देखो, अब बच्चों को अगर इस टाइप का सवाल मिल जाए तो बच्चे ना इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में मिनिमम है 10 से 15 मिनट ले लेंगे आप, ठीक है। और ये बस ये क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि आपके सोचने की क्षमता कम थोड़े से, वरना क्वेश्चन ही इतना जल्दी भी हो सकता है समझो मैं, ठीक है। तो देखो आओ किस तरीके से सोल्व करना, ये बाहर बाहर की वैल्यू हमने एक बार ले ली, बाहर बाहर की ले ली, तो कितना, दो, ये कितना हुआ, पाँच, पाँच दस और सात, सत्रह तीन बीस, पाँच पच्चीस हो गया, ठीक है ना, बाहर बाहर की वैल्यू ली और आपने जोड़ दी। अब समझो इस तरीके से, अगर इसे काट दे तो कितना मिला, एक बटा दो, ये और ये, हाफ ये बच रहा, हाफ ये, हाफ हाफ एक तो ये बना, सात बटे चार और चार बटे सात, इसे जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ग्यारह बटे ग्यारह, एक हिस्सा मिल गया। ये 10/13 और ये कितना बढ़ गया, ठीक है, 10 × 3 = 13, तो कितना है, एक ही मिला, तो कितना मिला आंसर सारे का, 28। लो जी समझ गए, यानी हाँ कहने का मतलब ये है, हमने बिना जो सही वाली वैल्यू और स्टार्टिंग वाली वो तो हमने एक बार में ऐड कर दी, दो, पाँच, पाँच दस, सात सत्रह, सत्रह ती बीस, पच्चीस। अब इसके बाद जो जिसका बेस सेम है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया कई बार वीडियो में कि जी आपको अगर 2/5 है और यहाँ 3/5 है, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू से मतलब रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, ये 5 हुई, 5/5 कितना मिला, एक, खत्म, समझ गए ना। तो हमने बेस देखा इसका 13, यहाँ 13, ऊपर कितनी है और यहाँ कितनी है, 10, तो 13/13 कितना मिला, एक, तो एक मिला। यहाँ 1/2, 1/2 ये, इसका भी एक मिला। इसी तरह ये भी 1/2, ये 11/11, ये भी एक मिला। बात आई समझ में। तो यानी कुछ क्वेश्चन होते तो इतने ईजी हैं, बच्चों सब बहुत टाइम लगाते थे, सोचते रहते करा के आ जाए, समझे ना। तो चलो आओ, तो इस टाइप से भी आपको कुछ क्वेश्चन सोचने हैं।
ठीक है ना, लो कर दे रहा। तो कुछ क्रिस्टल मिलते हैं आपके बार वाले, जो बार के टाइप के होते हैं। बार मतलब कि यानी कभी कभी उस वैल्यू पर, दो वैल्यू पर बार दिखा देगा। बार किस तरीके से भी दिखा रहा है, देखो क्वेश्चन है आपका। ये जिस टाइप से बार दिया, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देख लो, सोल्व कर लो फिलहाल, ठीक है ना, देखो क्या मिलता है। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले को करने के लिए हमें सबसे पहले बार, जिसमें बार मिलेगा ना, यानी बार वाली वैल्यू सोल्व करनी है। जैसे बार मिला, बार का मतलब होता कुछ नहीं, अगर दो वैल्यू पे है आपका तो इसका मतलब ब्रैकेट है। क्या है इसका मतलब, तो सोल्व करो। तो 222 तो एज इट इज, 1/3 का भी एज इट इज, 42 प्लस 56, इसे आप ब्रैकेट में है, दोनों प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या करोगे, जोड़ दो, 17 हुआ। अब 17 56 में से घटा देना, ठीक है, 17 जो है 56 में से घटा दो, तो देखो कितना मिला, यह बचा कितना, 9, और यहाँ ठीक है 39 मिला। तो ये हुआ आपका 39, ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसके बाहर है प्लस में 108, समझ आया। अब इसके बाद बाहर का है कैसा निशान है, प्लस का, तो पहले प्लस करो। 222 माइनस 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई में ले है, इसे ऐड कर दो, कितना मिला देखो, 81, ठीक है, और प्लस में यहाँ 108 भी है। 222 एज इट इज, ये हुआ 27, जब इसे ऐड करोगे तो कितना मिलना है, 5, 135, इसमें से घटा दो, कितना मिला, 7, और ये कितना बचा, 8, ठीक है, तो 8। तो बात आई समझ में, यानी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर ये इसका मतलब अगर बार है तो बार की कोई टेंशन नहीं, आपको पहले वो सोल्व करना बस, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी तरफ का सुझाव या कोई भी शिकायत आप कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।